कीलकम शिवजी द्वारा निर्देशित। कीलक का ज्ञान चाबी की तरह देवी की असीम कृपा के द्वार को खोलकर मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। मार्कंडेय जी अपने शिष्यों को विभिन्न बाधाओं के निवारणार्थ इस शिवजी द्वारा रचित कीलक का उपदेश देते हैं, जिससे वे सप्तशती पाठ के प्रभाव से भगवती की असीम कृपा एवं अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर सके। इस कीलक मंत्र के ऋषि शिवजी हैं। छंद यानी गाने की शैली अनुष्टुप है। इस मंत्र की प्रमुख देवता देवी सरस्वती हैं और श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए ही सप्तशती के पाठ के अंतर्गत इसका उपयोग होता है। कीलकम। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं, तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को पूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासियों को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह के त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता, उसके ज्ञान का नाश होता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह सप्तशती स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष
इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। यहाँ कीलक और निष्कीलन के ज्ञान की अनिवार्यता बताने के लिए ही विनाश होना कहा गया है। वास्तव में किसी भी प्रकार से देवी का पाठ करने से लाभ ही होता है। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमय जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते? निष्कीलन। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस सप्तशती स्तोत्र को कीलित कर रखा है। इसी प्रक्रिया को निष्कीलन कहते हैं। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। निष्कीलन का अर्थ यहाँ पर यह कहने का प्रयत्न किया गया है कि साधक को उपरोक्त तिथि को अपना सर्वस्व पूर्ण रूप से देवी को समर्पित कर देना चाहिए और फिर भगवती का ध्यान करते हुए यह भावना करनी चाहिए कि भगवती स्वयं उसे अर्पित सर्वस्व प्रसाद रूप में प्रदान कर रही है। इसी से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इस पूर्ण प्रक्रिया को निष्कीलन कहते हैं। महादेव जी ने इसी प्रक्रिया से इस सप्तशती स्तोत्र को सिद्ध करने का मार्ग बताया है। साथ ही उन्होंने सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करने पर जोर दिया है।